से कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है? गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड. अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है. ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं. ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में, हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूं चीजों को. नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है. कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट? जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे. जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है. विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट. तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट. तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी. तो इससे आपने क्या सीखा कि आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में, स्पेशली बड़े डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने. और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं. करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना? स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है. मैं कह रहा हूं समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट. मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट. सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया, समझ गए, कि मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर, आपने टॉप कर दिया कहीं पर. तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट. ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं तो उससे सीखो, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो. दैट इज इंपॉर्टेंट. डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार. पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो. आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है. पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझे, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है. मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है. कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना. तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है. अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है. कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके. हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं. अपने आप को ये बोलो, आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए. अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी, जिसको आप बड़ी समझ रहे हो. कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी. तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे. ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे.